नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या केस की नई अपडेट। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पुलिस लगातार उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को उनकी फ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया है। कहा जा रहा है कि रिया ही सुशांत के सबसे करीब थी। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया था, जहां उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। मुकेश सुशांत के बहुत करीबी थे, उनके साथ फिल्म की थी। मुकेश से सुशांत की आदतों और उनके ड्रीम क्या थे, इन सब के बारे में बात हुई। मुकेश ने अब पुलिस को बताया कि सुशांत कभी उनसे निजी बातें शेयर नहीं करते थे, ना कभी इस बात का उन्होंने एहसास दिलाया कि सुशांत किसी डिप्रेशन में है। घर पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि सुशांत ने मौत से 3 दिन पहले उनके साथ काम करने वालों की फाइनल पेमेंट कर दी थी। साथ ही उन्होंने अपने कुछ उधार भी क्लियर कर दिए थे। उन्होंने नौकरों से कहा था कि वे अब आगे पैसे नहीं दे पाएंगे, यह सुनकर वे थोड़ा निराश भी हुए थे। सुशांत की फ्रेंड रिया चक्रवर्ती को बुधवार को समन दिया गया था। सूत्रों की माने तो अभी तक की जांच में इंडस्ट्री की गुटाबाजी को लेकर सुशांत के किसी करीबी ने कोई बयान नहीं दिया है। वहीं सुशांत के घर की छानबीन से पता चला है कि उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था, खासकर फिजिक्स में ज्यादा दिलचस्पी थी। उनके घरों में 5 डायरी मिली है। इसमें वह किताबों में पढ़े गए महत्वपूर्ण कोट को लिखा करते थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।